वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं YET योर इंग्लिश ट्यूटर, आपका अपना न्यूज़पेपर से इंग्लिश को सीखने वाला यूट्यूब चैनल। करते क्या हम, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लेते हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसमें ग्रामर के रूल्स वोकेबलरी अलग निकाल लेते हैं और साथ में इसी के ऊपर एक बेस क्विज को सॉल्व करते हैं। क्विज को अभी जाएं डिस्क्रिप्शन में, सबसे ऊपर जो लिंक पड़ा है ना, वहाँ से डाउनलोड करें, फिर बढ़ें इस एडिटोरियल के साथ आगे, है ना। क्विज में सेंटेंस एरर करेक्शन, RC, क्लोज टेस्ट, सब तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए, ड्यूबियस डिसीजन, ये आर्टिकल बेस्ड है भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुई थी उसके ऊपर, आप देखेंगे मेरे साथ ड्यूरिंग द एडिटोरियल। फटाफट से शुरू करते हैं। कह रहे डिसीजन, एक ऐसा फैसला जो है ड्यूबियस, बड़ा डाउटफुल है, जिसमें बड़ी शंकाएं हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, सवाल जो है ना खड़े होते हैं, क्वेश्चनेबल है। ड्यूबियस इज एन एडजेक्टिव, डिसीजन इज ए नाउन। चलिए अब देखिए कौन सा डिसीजन है, ये मालूम चलेगा हमें टाइटल पैराग्राफ से। कह रहे NAI's टेक ओवर ऑफ भीमा कोरेगांव प्रॉब इज अप्लॉय टू परपेचुएट अर्बन नेक्सल नैरेटिव। कह रहे जो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इसका जो टेक ओवर है ना, टेक ओवर क्या होता है, किसी चीज़ का जिम्मा ले लेना, चार्ज ले लेना। कह रहे इसने जो चार्ज लिया है और किसका, भीमा कोरेगांव प्रोब का। प्रोब क्या होती है, स्क्रूटनी, जांच, इन्वेस्टिगेशन। भीमा कोरेगांव में हुई जो जांच है उसका जिम्मा जो NIA ने लिया है, वो एक प्लॉय है, वो एक पैतरा है, पैतरेबाजी है, ट्रिक है, किस चीज़ की, उस नैरेटिव को, उस स्टोरी लाइन को अर्बन लेक्सल की परपेचुएट करने की। परपेचुएट मतलब किसी चीज़ को हमेशा लंबे टाइम तक बनाए रखना, हमेशा चलाए रखना, जिंदा रखना, समझ गए मेरी बात को। NIA का जो काम है ना टेक ओवर करने का, इस प्रोब को, वो अर्बन नेक्सल की जो कहानी गवर्नमेंट बताती है ना, जो स्टोरी लाइन चला करके बैठी है, उसको ना परपेचुएट करने का, लंबे टाइम तक चलाए रखने का प्लॉय है, समझ गए। मतलब अर्बन नेक्सल जो है, ये नैरेटिव धीमा पड़ रहा है, इसके जरिए जो है इस नैरेटिव को फिर से जिंदा करेंगे। चलिए सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें क्या हैं, प्रोब, वर्ड आपने बहुत बार देखा मेरे साथ, क्या सिनोनिम होते हैं इसके, स्क्रूटनी और इन्वेस्टिगेशन। दूसरी चीज़ प्लॉय क्या होता है, ये भी आपने बहुत बार देखा है, आपने इसका सिनोनिम देखा मेरे साथ, मैन्यूवर, पैंतरेबाजी, ट्रिक जो तो आप जानते हैं, गिमिक, ये भी पैतरेबाजी होती है, प्लॉय मतलब पैतरेबाजी। नैरेटिव आपको मैंने बता दी, कोई कहानी की स्टोरी लाइन हो ना, वो नैरेटिव होता है। जैसे क्योंकि सास भी बहू का नैरेटिव क्या था, एक तुलसी हुआ करती थी, एक मतलब जो भी उसमें किरदार थे ना, वो नैरेटिव के पार्ट थे। परपेचुएट होता है किसी चीज़ को लंबे टाइम तक चलाए रखना, इतना लंबा कि कभी ख़त्म ना हो, इसलिए इसका एक सिनोनिम क्या होगा, प्रिजर्व, बनाए रखना, मेंटेन, बनाए रखना, कंटिन्यू बनाए रखना, इटर्नलाइज, हमेशा इटर्निटी तक, अनंत काल तक बनाए रखना, चारों का मतलब, इसीलिए इसके सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। सेंटेंस को आप हमेशा, मैं आपको बताता हूँ, हमेशा सेंटेंस की पार्सिंग करके हर वर्ड को उसकी जगह बताएं। अगर आज इस सेंटेंस की बात करूँ तो इसका सब्जेक्ट है NIA टेक ओवर, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब लगी हुई है इज, मेन वर्ब कोई है नहीं तो यही मेन वर्ब है, बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं या वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं या प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं, ये काम आपको करना है बाकी की पार्सिंग का। पार्सिंग नहीं जानते हैं तो आपको मालूम है, मैं बिगिनर लेवल से ग्रामर की वीडियोज आपको बता रहा हूँ पार्सिंग करने की, यहाँ डाल देता हूँ, जरूर से चेकआउट करें। चलिए एक छोटी सी समरी दे देता हूँ ताकि आपको एडिटोरियल का कॉन्टेक्स्ट समझ में आए। भीमा कोरेगांव में कुछ लोग जा करके सेलिब्रेट कर रहे थे एक ओकेजन को कुछ साल पहले, उस ओकेजन के दौरान थोड़ी वायलेंस हो गई, मारपीट हो गई, है ना। गवर्नमेंट ने क्या सोचा, इसके अंदर जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे वो गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे, है ना, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, लॉयर्स थे, गवर्नमेंट ने सोचा अच्छी समय जो है ना मौका मिला है, उसको वायलेंस को इन्होंने जो है ना बना दिया कि प्रधानमंत्री को मारने की साजिश थी, है ना, ऐसा उन्होंने इसको पूरा का पूरा जो है ना रंग दे दिया वायलेंस को, और इसके ऊपर एक केस लगा दिया, एक एक्ट लगा दिया, और उन एक्टिविस्ट लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, जो एक्ट लगाया था उस एक्ट के अंदर NIA के पास ये प्रोब जानी चाहिए थी स्टेट की पुलिस के पास से, पर स्टेट में इनकी सरकार थी BJP की, तो BJP ने NIA को देने से मना भी कर दिया, बोले हम अपने हिसाब से देख लेंगे। आज हुआ क्या, वहाँ से स्टेट से BJP की सरकार हट गई, तो BJP ने फटाफट से ऐसा डिसीजन लिया कि इसको NIA को दे देना। एडिटोरियल ये कह रहा है कि उस टाइम देना था तब आपने दिया नहीं, अब आपकी सरकार वहाँ से निकल गई तो अब आप दे रहे हो, आप एक्चुअल में उन लॉयर्स और उन एक्टिविस्ट को दबा करके रखना चाहते हो, अर्बन नेक्सल का जो नैरेटिव आपने जिंदा रखा है ना, अर्बन नेक्सल्स जो लोग ह्यूमन अधिकारों के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते हैं, उनको आप नेक्सलाइट बोलते हो, अर्बन नेक्सल, उस नैरेटिव को जिंदा रखने के लिए, परपेचुएट करने के लिए आपका डिसीजन हमें लगता है ड्यूबियस, ठीक है ना। शुरू करें एडिटोरियल को, एक छोटी सी मेरी आपको राय है, अभी डिसीजन, अभी जो है ना क्विज को डाउनलोड करो, एडिटोरियल की समरी मैंने आपको दे दी है, क्विज पढ़ो फिर एडिटोरियल अपने आप पढ़ो, है ना, बंद कर दो भले इस वीडियो को, पहले इस एडिटोरियल को खुद पढ़ो उसके बाद क्विज को सॉल्व करो और फिर एडिटोरियल पे आओ, आपको करना है एग्जाम में, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगा, तो मेरी छोटी सी राय आपको यही है। शुरू करते हैं, द होम मिनिस्ट्रीज एब्रप्ट डिसीजन टू ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन इन टू द भीमा कोरेगांव केसेस
in Maharashtra to the National Investigative Agency NIA is an unwarranted interference. ठीक है ना, लंबा सेंटेंस है, छोटे मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल लंबे होने के बावजूद कह रहे जो होम मिनिस्ट्री है ना, द होम मिनिस्ट्री, उसका जो डिसीजन है एक आकस्मक, एकदम एब्रप्ट, अचानक से आया हुआ. इसका जो एकदम अचानक वाला डिसीजन है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र कर देने का, किस चीज़ को, इन्वेस्टिगेशन को, और किसके अंदर इन्वेस्टिगेशन, भीमा कोरेगांव में हुए केसेस की. कह रहे जो डिसीजन है ना इसका, और ये केसेस हुए थे महाराष्ट्र में और ट्रांसफ़र होगा नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, ये डिसीजन एक अनवारंटेड इंटरफेरेंस है. ये डिसीजन एक ऐसी दखलंदाजी है जो बिल्कुल सही नहीं है. और किसके अंदर, इन द पॉलिस पावर्स ऑफ द स्टेट्स, जो स्टेट है उसकी पॉलिस पावर्स के अंदर. स्टेट के अंदर जो आप जानते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, जो सेंट्रल लिस्ट है, पुलिस की पावर किसको मिली हुई है, स्टेट को मिली हुई है ना, स्टेट लिस्ट के अंदर पुलिस है, हेल्थ है. तो कह रहे स्टेट की जो पुलिस पावर्स है ना, उसके अंदर आप अनवॉरंटेड इंटरफेरेंस दे रहे हो, आप जो है दखलंदाजी दे रहे हो. सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, डिसीजन ग्रीन कलर में. सेंटेंस की वर्ब कौन है, इज पिंक कलर में. सारे के सारे ग्रीन सब्जेक्ट हैं, सारी के सारी इज वर्ब्स हैं. खुद आप इसी समझ से अपनी समझ को भी ना यहाँ तोल करके देखें, यही सब्जेक्ट और यही वर्ब्स आनी चाहिए. बाकी ये ब्लू, ये जो येलो देख रहे हो ना, स्पेशल वर्ड्स हैं, मैंने इनके मीनिंग लिखे हुए हैं. एब्रप्ट को आप बोल सकते हो सडन, अनफॉर्सिन, अनवॉरेंटेड होती है, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ना हो, अनरीजनेबल हो, अनजस्टिफाइड हो, अनफेयर हो. इंटरफेरेंस होती है दखलंदाजी, इसको आप जो है इंटरवेंशन भी बोल सकते हो. कह रहा है इट इज़ क्लियरली एम्ड एट प्रिवेंटिंग. कह रहे जो ऊपर वाली चीज़ है ना, ये डिसीजन वाली, कह रहा है ये साफ साफ इट इज़ क्या है, एम्ड एट है. किस क्या इसका मकसद है, प्रिवेंटिंग द न्यू रिजीम इन महाराष्ट्र फ्रॉम रिव्यूइंग द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोब. ये जो एम्ड एट है प्रिवेंट करने में, रोकने में, नए रिजीम को, नए प्रशासन को, हुकूमत को महाराष्ट्र के अंदर, और प्रिवेंट किससे करना है, फ्रॉम रिव्यूइंग द कॉन्ट्रोवर्शियल प्रोब, रिव्यू करने से इस कॉन्ट्रोवर्सी वाली प्रोब को, तहकीकात को. और कौन सी तहकीकात है ये, डन अंदर बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जो कि हुई थी नीचे बीजेपी के द्वारा नेतृत्व में, बीजेपी की अगुवाई में जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, और कैसे हुई थी, थ्रू अ स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ऑफ इट्स ओन, जरिए एक एसआईटी के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के, इसकी खुद की. सेंटेंस लंबा है, रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. ये जो ऊपर वाली घटना है ना, इसके लिए लगाया हमने प्रोनाउन इट, किस चीज़ के लिए, इस डिसीजन के लिए. कह रहे जो डिसीजन है ना, इट जो है ना, ये साफ साफ एम्ड एट है, इसकी एक ही मकसद है, रोक देना नए प्रशासन को महाराष्ट्र के अंदर, जो नई सरकार बनी है, रिव्यू करने से, फिर से नज़र डालने से उस कंट्रोवर्शियल प्रोब पे, उस जो है विवादास्पद जो है जांच पे, जो कि हुई थी बीजेपी की अगुवाई में गवर्नमेंट के नीचे. और कैसे हुई थी, एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम के द्वारा हुई थी, थ्रू उसके हुई थी, ऑफ इट्स ऑन, जो किसी खुद की थी, समझ गए, उसको जो है रिव्यू ना करने दे नई सरकार को, नई सरकार उसमें से कुछ खामियां ना निकाल ले. एम के साथ में एड जब भी लगा होता है, एम डेट जो है आपका जो वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, एड जो है एक जो है प्रीपोजिशन है, प्रेपोजिशन के कारण आप जो है प्रिवेंटिंग लगा रहे हो यहाँ पे. क्यों, प्रेपोजिशन अपने बाद अगर वर्ब लेगी ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी, नाउन ले लेगी, प्रोनाउन ले लेगी, तो कोई बात नहीं. अगर वर्ब लेगी, प्रिवेंट एक वर्ब है ना, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी, वर्ब नहीं लेगी, ठीक है ना. इसलिए फ्रॉम के बाद भी मैंने आईएनजी को हाईलाइट किया हुआ, रिव्यूइंग, रिजीम जानते हैं प्रशासन, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब. इज एम्ड, यहाँ पे पैसिव वॉइस बना हुआ है, इज एम्ड, ठीक है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. कह रहा है द पुणे पुलिस हैव फाइल्ड अ चार्ज शीट अगेंस्ट नॉन राइट डिफेंडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ माइस प्लॉट. लंबा सेंटेंस है, यही रुक जाते हैं. कह रहे जो पुणे पुलिस है ना, उन्होंने फाइल की है. अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हैव का है, मैं आपको बताऊंगा, दो मिनट रुक जाओ. कह रहे पुणे पुलिस ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फाइल कर दी है एक चार्ज शीट, किसके खिलाफ, अगेंस्ट नॉन राइट डिफेंडर्स के, ऐसे डिफेंडर्स के, ऐसे हिफाजत करने वालों के जो कि नॉन है, सब जानते हैं और हिफाजत करते हैं जो राइट्स की, हकों की, समझ गए, जाने पहचाने, जाने माने राइट डिफेंडर्स के खिलाफ. और किसके खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ. और क्यों, कह रहा ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ, उस ग्रेव, उस जो है गंभीर मुद्दे पे, चार्ज पे, जो कि है बींग, होने का एक पार्ट, हिस्सा, एक माओइस्ट प्लॉट का, एक माओवादी प्लॉट का. प्लॉट क्या होता है, पूरी एक जो ना साठ गांठ सी होती है ना प्लॉट, होती है कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ. और कैसे किया इन्होंने, बेसिंग देयर क्लेम ऑन परपोर्टेड मटेरियल सीज्ड फ्रॉम कंप्यूटर्स ड्यूरिंग द रेड, बेस करते हुए, आधार बनाते हुए अपने क्लेम को, उस मटेरियल को जो कि सीज किया गया था कंप्यूटर से रेड्स के दौरान. अब देखो परपोर्टेड कैसे है ये, ऐसा हमें अलेज किया, ऐसा हमने क्लेम किया है ना, हमें नहीं पता वो सीज किया गया था नहीं किया गया था, परपोर्टेड है, ऐसा क्लेम्ड है, पुलिस कहती है कि हमने इसको सीज किया था, अलेजिडली वो सीज था कंप्यूटर्स में से,
समझ गए, ऐसे पुलिस ने ना चार्ज किया, चार्जशीट जो है दायर किया। सेंटेंस आप समझ गए इसमें देखने वाली चीज़ें क्या क्या है, अभी देख लेते हैं अपने। पुलिस के बाद में हैव लगा हुआ है, पुलिस तो सिंगुलर होता है ना, उसके बाद में हैव कैसे लगेगा? देखो पुलिस, ऑडियंस, ये सब के सब क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। आपने मेरे साथ अच्छे से देखा है कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग है ना हमेशा इन चीज़ों से भूल जाते हैं लोग जो है, मैं थोड़ा इसलिए बार बार रिवाइज करवाता हूँ। देखो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो प्लूरल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं। पुणे पुलिस के साथ में यहाँ पे हैव की जगह हैज़ भी लगा हो सकता था अगर कोई कंडीशन अलग होती तो। चलो कैसे लगा होता देखते हैं। ऑडियंस आर रनिंग आफ्टर द सुपरस्टार और ऑडियंस हैज़ पेड द एंट्री फी, दोनों में फ़र्क क्या है? पहले केस में मैंने आर लगा के ऑडियंस को प्लूरल बना दिया, दूसरे केस में मैंने हैज़ लगा के ऑडियंस को सिंगुलर बना दिया। रीज़न क्या है? जब मैं ऑडियंस आर लगा रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ सुपरस्टार के पीछे मेंबर्स ऑफ ऑडियंस भाग रहे थे। देखो पूरी ऑडियंस तो नहीं भागेगी, 10 लाख लोग आगे इकट्ठे हुए हैं, 10,000 लोग, 1 लाख लोग, वो सारे के सारे तो सुपरस्टार के पीछे नहीं भागेंगे, कुछ लड़कियां होंगी जो पागल भाग रही होंगी, तो सारे ऑडियंस नहीं है। तो मैं ऑडियंस आर लगा रहा हूँ, मतलब मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस आर रनिंग आफ्टर द सुपरस्टार। ये ऑडियंस ऐसा कलेक्टिव नाउन है, जब इसके मेंबर्स की बात होगी ना अलग अलग तो ये आर ले लेगा, हैव ले लेगा। अच्छा जब ऑडियंस ने एंट्री फी पे जो है उसने एंट्री फी पे की तो सभी ऑडियंस ने की होगी ना, ऐसा तो नहीं है मेंबर्स ने की है, लड़कों ने कर दी, लड़कियों ने नहीं की, बूढ़ों ने कर दी, जवानों ने नहीं की, सब ने कुछ ना कुछ दिया होगा। तो मैं एक्चुअल में कहना चाह रहा हूँ ऑडियंस हैज पेड द एंट्री फी, ऑडियंस एज ए होल हैज़ पेड द एंट्री फी। तो जब भी किसी कलेक्शन को आप एक एज ए होल लोगे ना तब आपको उसको सिंगुलर मानना है, जब आप उसके मेंबर्स की बात करोगे ना अलग अलग तब आप उसको प्लूरल मान लोगे। जैसे पुलिस का ही ले लो, पुलिस आर ब्रिंगिंग द क्रिमिनल इन अ वैन, मैं कह रहा हूँ पुलिस जो है क्रिमिनल को वैन में लेके आ रही है, मतलब पुलिसमैन होंगे ना उसके अंदर वैन में, पूरी पुलिस तो आ नहीं गई, पूरा डिपार्टमेंट तो आ नहीं गया, तो मैं आर लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ पुलिसमैन की। और अगर मैं पूरी पुलिस की बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा, पुलिस हैज़ कन्फर्म डैट द क्रिमिनल हैज़ बीन अरेस्टेड, पुलिस ने कन्फर्म कर दिया है कि क्रिमिनल अरेस्ट किया जा चुका है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, पुलिस डिपार्टमेंट ने कह दिया कि क्रिमिनल को अरेस्ट कर दिया गया। पुलिस एज ए होल तो हमने हैज़ लगाया, पुलिस मैन अलग अलग तो हमने आर लगाया। ये आपका तरीका है कलेक्टिव नाउन्स को डिफाइन करने का। अब देखो इसी के ऊपर एक क्विज है, दो क्वेश्चंस बना रखे हैं मैंने, पहले में हैज़ में से एक चूज़ करना है, दूसरे में से इज़ार में से एक चूज़ करना है। अपना आंसर मैं अपने जो है ना क्विज जो है आरसी वाला उसकी लास्ट स्लाइड में अपडेट कर दूंगा, आप अपना आंसर मुझे कमेंट्स में डाल करके बताएं। पूरा सेंटेंस मत लिखें, सिर्फ आंसर लिख देना, पहले में ये आएगा सेकंड में ये आएगा तो भी ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्लॉट आप जानते हैं, कॉन्स्पिरेसी हो, स्कीम हो किसी के खिलाफ। चलिए परपोर्टेड मैंने आपको बता दिया, ऐसी चीज़ जो क्लेम्ड है, अलेज्ड है, पता नहीं है सबको, पुलिस कहती है हमें तो मिली थी। चलो वट बिगेन एज ए केस रिलेटिंग टू अलेज प्रोवोकेटिव स्पीचीज ड्यूरिंग द एल्गर परिषद, करे जो कि केस की तरह शुरू हुआ, वट बिगेन एज ए केस, और किससे रिलेटेड टू, किससे संबंधित, अलेज्ड उस परपोर्टेड उस अलेज्ड उस कथित तौर पर प्रोवोकेटिव स्पीचेस की तरह, ऐसे भाषण जिसमें प्रोवोकेशन था, जिसमें उंगली लगाई गई थी, और कब, एल्गर परिषद के दौरान। अभी मुझे पता नहीं एल्गर परिषद क्या है, इनका कोई जो है ना कोई सेरेमनी है, कह रहा उसके दौरान, कह रहा जो एक केस की तरह शुरू हुआ ना। अब देखो एल्गर परिषद के बारे में और बता रहा है, एन इवेंट हेल्ड ऑन December 31, 2017, जो कि एक इवेंट था 31 दिसंबर 2017 को हेल्ड किया गया था, रखा गया था, और क्यों, टू कमेमोरेट अ मिलिट्री विक्ट्री ऑफ दलित्स अगेंस्ट द पेशवा आर्मी, कमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, याद ताज़ा करने के लिए एक मिलिट्री विक्ट्री की, एक जीत की दलितों के, और किसके अगेंस्ट, पेशवा आर्मी के, और कब, 200 साल पहले, 200 ईयर्स पहले। तो कह रहा है जो एक केस की तरह शुरू हुआ ना, कह रहा है फॉलोड बाय सम इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस, जो कि फॉलोड बाय भी हुआ कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा, वायलेंस के, हिंसा के, कह रहा है वॉज देन ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि केस की तरह शुरू हुआ वो बाद में ट्रांसफॉर्म हो गया, बदल दिया गया इनटू अ स्पिंस्टर सिनिस्टर प्लॉट, एक सिनिस्टर प्लॉट में, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में एक जो बड़ी सिनिस्टर है, बड़ी ख़राब है, और काहे की, टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ओवरथ्रो करने की, हटा देने की, उखाड़ फेंकने की सरकार को, और कब और कैसे, allegedly at the behest of the Communist Party of India, कथित तौर पे, इशारों पे, Communist Party of India मायूस के इशारों पे, है ना। सेंटेंस तो देखो इतना लंबा है, इतना लंबा, पर आप इसके सारे पीस जोड़ो तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, आप लोड मत लो, थोड़ा ध्यान से देखो, बड़ा इजिली क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट इसका है ये नाउन फ्रेज, इसकी वर्ब है वॉज ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि पैसिव के अंदर है। अब इस सेंटेंस को पढ़ने की करो कोशिश।
गरज जो कि एक केस की जगह शुरू हुआ केस की तरह से रिलेटेड था उन भड़काऊ स्पीचेस के जो कि हुए थे एल्गर परिषद के दौरान। अब ये एल्गर परिषद के बारे में बताएगा जो कि एक इवेंट है 31 दिसंबर 2017 को जो है हेल्ड किया गया था, रखा गया था कमेमोरेट करने के लिए, याद ताज़ा करने के लिए एक मिलिट्री विक्ट्री की दलित लोगों की पेशवा आर्मी के खिलाफ 200 साल पहले, मतलब 200 साल पहले दलितों ने पेशवा लोगों से कुछ लड़ा हुआ कुछ लड़ाई उसको जो उसको सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया था। कह रहे जो उसके केस की तरह शुरू हुआ ना और जो फॉलोड बाय हो गया जिसके तुरंत बाद हो गई कुछ हिंसा के इंसिडेंट्स के जो है इंसिडेंट्स हो गए वायलेंस के, ये केस जो है ना ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, पूरी तरह बदल दिया गया एक सिनिस्टर प्लॉट में, एक गंदी सी कॉन्स्पिरेसी में सरकार को उखाड़ फेंकने की, और कैसे कथित तौर पे इशारों पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के CPM के इशारों पे, है ना, कथित तौर पे कहा जाता है ऐसा कि इसको जो है ओवरथ्रो करना इसका मकसद था इस पूरे के पूरे केस का, है ना। सेंडर समझ गया अभी। अब देखो देखने वाली चीज़ कोमेमोरेट, अब इसमें से कुछ मेमोरी जैसा आ रहा है मेमोरी MEMOR मेमोरी मतलब याद, कोमेमोरेट क्या होता है को मतलब साथ में, मेमोरेट मतलब याद ताज़ा करना, जब सब लोग बैठ करके किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप कोमेमोरेट करते हैं वहाँ से सब वर्ड को याद रखें, इसलिए मैं इसको मेमोरलाइज भी बोल दूंगा ऑनर भी बोल दूंगा और सेलिब्रेट भी कर दूंगा, तीनों मतलब इसके सिनोनिम हो गए, है ना। प्रोवोकेटिव क्या होता है जिसमें उंगली लगाई हो भड़काऊ हो, आप इसको इंसाइटिंग भी लिख सकते हो, है ना। फॉलोड बाय मतलब जिसके तुरंत बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय ट्रांसफॉर्म होता है रेडिकल चेंज, ऊपर से अपसाइड डाउन बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा चेंज, सिनिस्टर होता है खराब, ओवरथ्रो को आप बोल सकते हो उखाड़ फेंकना तो टॉपल भी बोल सकते हो उखाड़ फेंकना, डी थ्रोन मतलब थ्रोन से हटा देना उखाड़ फेंकना, डी पोज मतलब पोजीशन से हटा देना उखाड़ फेंकना, आउस्ट मतलब उखाड़ फेंकना बाहर निकाल देना, सारे इसके सिनोनिम है, इस तरीके से आपको याद रखने हैं, लिख लो कहीं पे नोट जरूर बनाना। चलिए एट द बिहेस्ट ऑफ याद रखें चाइना अपोज्ड इंडिया इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एट द बिहेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के इशारों पे चाइना ने इंडिया को अपोज किया एट द बिहेस्ट ऑफ, इस तरह से आप फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं। चलिए द पुलिस कंडक्टेड रेड्स, जो हमारी पुलिस थी ना उसने कंडक्ट कर दी क्या रेड्स लगा दी उसने अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस मतलब पूरी कंट्री के अंदर क्रॉस करके हर स्टेट के अंदर, और क्या कर दिया पुलिस ने दूसरी इसकी वर्ब आ गई पुलिस की नेम्ड, इसने नाम ले दिया सम एक्टिविस्ट कुछ एक्टिविस्ट का एंड लॉयर्स कुछ लॉयर्स का इन द FIR इसकी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में, ठीक है ना। पुलिस ने दो वर्ब्स के साथ दो काम किए, कंडक्ट करने का रेड्स को और पुलिस ने नेम कर दिया एक्टिविस्ट को। कह रहा है इवन दो जबकि या यहाँ तक कि इवन दो कह रहे देयर वॉज एन आउटलैंडिश क्लेम, वहाँ पे था एक ऐसा क्लेम एक ऐसा दावा जो आउटलैंडिश है बिल्कुल स्ट्रेंज है बड़ा अजीब सा है, और किस पे था ये दावा कह रहे बेस्ड ऑन आधार पे अ लेटर, एक लेटर के, और कैसा लेटर है वो डाउटफुल ड्यूबियस ऑथेंटिसिटी का, जिसकी विश्वसनीयता है ना क्रेडिबिलिटी है बड़ी डाउटफुल है ड्यूबियस है बड़ा सा उस पर हमें शक है। तो कह रहा है इवन दो हालांकि ये क्लेम था वहाँ पे आउटलैंडिश का क्लेम था जो इस लेटर के बेस पे, और क्लेम क्या था दैट लगे बता रहा है देयर वॉज एन असैसिनेशन प्लॉट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे था एक ऐसा प्लॉट एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी एक ऐसा प्लान जो असैसिनेशन का था अगेंस्ट किसके खिलाफ PM साहब के खिलाफ। कह रहे यहाँ तक कि ये था इवन दो कह रहे दिस एलिगेशन डिड नॉट फाइंड प्लेस इन FIR, ये जो एलिगेशन थी ना ये जो इन्होंने आरोप लगाया था इसने जगह नहीं पाई डिड नॉट फाइंड प्लेस इसको जगह नहीं मिली FIR के अंदर और किसके अंदर और रिमांड एप्लीकेशन के अंदर जो रिमांड की एप्लीकेशन डाली है पुलिस ने उसके अंदर, मतलब तब कहने के लिए तो आपने कह दिया बाद में सब प्रूफ तो आपके पास था नहीं तो FIR में आपने रखा नहीं ना आपने रिमांड एप्लीकेशन में रखा। सेंडर समझ गए इवन दो जब भी आएगा उसके बाद अगले क्लोज के अंदर है ना या तो वो येट लगाएगा या वो कॉमा लगाएगा, देखना ज़्यादातर ऐसे होगा इवन दो के बाद में या दो भी होता है कभी कभी इवन दो दो एक ही बात है इसके बाद में येट फिर भी है ना या कॉमा लगा दोगे उसका मतलब भी होगा फिर भी। देयर सब्जेक्ट वॉज वर्ब आउटलैंडिश एक ऐसा वर्ड है जो आप पहली बार देख रहे हो आउटलैंडिश को याद कैसे करोगे इसका मतलब होता है स्ट्रेंज बड़ा अजीब सा, आउट मतलब बाहर का लैंड मतलब जगह ऐसी चीज़ मतलब कोई दूसरे ग्रह की होती है ना अपने कहते हैं ना बड़ी अजीब सी चीज़ है पता नहीं कहाँ से आया ये बड़ा अजीब सा आदमी है आउटलैंडिश आदमी है वो आउटलैंड कहीं बाहर का आदमी है अपने यहाँ का नहीं है आउटलैंडिश इसलिए हो गया स्ट्रेंज बिजार बिजार बहुत अच्छा वर्ड है इसका सिनोनिम बिजार और इसके लिए एक वर्ड है एक्सेंट्रिक एक्सेंट्रिक बड़ा अजीब सा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एलिगेशन आप जानते हैं ऑथेंटिसिटी होती है क्रेडिबिलिटी विश्वसनीयता कह रहे डिस्पाइट इट्स इंटर स्टेट रेमिफिकेशन बावजूद इसकी अच्छा किसकी इस पूरे की पूरी ऊपर की चीज़ की घटनाक्रम की कह रहे बावजूद इस पूरी की पूरी ऊपर वाली चीज़ की इंटर स्टेट
कई सारी स्टेट्स के बीच के रेमिफिकेशंस। रेमिफिकेशंस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम। कह रहे बावजूद कई स्टेटों के बीच में जो रेमिफिकेशंस थे उसके, द स्टेट गवर्नमेंट वेहमेंटली अपोज्ड अ पिटीशन। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसने अपोज कर दिया, खिलाफ हो गई एक पिटीशन के, याचिका के, वेहमेंटली, बड़ा जोर शोर से। कह रहे क्यों और कहाँ पे? इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, फोर के लिए अ कोर्ट मॉनिटर्ड इंडिपेंडेंट प्रोब, एक कोर्ट के द्वारा मॉनिटर की गई इंडिपेंडेंट प्रोब के लिए, समझ गए। कह रहा है कि कई स्टेट का मामला इसमें फंसा हुआ था, फिर भी महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट थी ना उस टाइम बीजेपी वाली, उसने अपोज कर दिया एक याचिका को कोर्ट के अंदर कि इसको कोर्ट इंडिपेंडेंट जो है ना मॉनिटर, कोर्ट इंडिपेंडेंट मॉनिटर प्रोब की जरूरत नहीं है, हम खुद प्रोब करेंगे, चाहे कितनी भी स्टेट का मामला हो हम अपने आप देख लेंगे, है ना। कहने का मतलब ये, डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ भी हो सकता था, इंस्पाइट लगता तो उसके बाद में ऑफ लगाना जरूरी होता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है। रेमिफिकेशन, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, रिपरकशन, सबका मतलब एक ही है, रेमिफिकेशन, परिणाम। चलिए, कह रहे एट दैट टाइम, उस वक्त द सेंटर जो हमारी सरकार थी ऑल्सो हैंड बाय द बीजेपी, जो कि हैंड बाय थी, कमांडेड बाय थी, कंट्रोल बाय थी बीजेपी के द्वारा, द बीजेपी पार्टी के द्वारा। अरे सरकार ने ना एक्सप्रेस द नो इंक्लिनेशन, इसने एक्सप्रेस की, इसने जाहिर की कोई भी इच्छा नहीं, इंक्लिनेशन नहीं, और किस चीज़ की? टू हैंड ओवर द प्रोब, हैंड ओवर करने की, थमा देने की इस प्रोब को, किसको? टू द NIA, NIA नाम की एजेंसी के द्वारा, है ना। कोई भी इसने नहीं दिखाई इंक्लिनेशन के NIA को हम दे देते हैं। कह रहे इवन दो, जबकि सेक्शंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट वर इन्वोक्ड, सेक्शन जो थे ना इस एक्ट के, UAPA, इसको इन्वोक किया गया था, वर इन्वोक्ड, इनको जगाया गया था, समझ गए मेरी बात को। सेंटर और स्टेट दोनों जगह गवर्नमेंट की सरकार, जो बीजेपी थी उसकी गवर्नमेंट थी, हैंड बाय बीजेपी थी सेंटर गवर्नमेंट, फिर भी इन्होंने नहीं दिखाई एक्सप्रेस नहीं की कोई इंक्लिनेशन कि प्रोब को हम दे दें NIA को, जबकि इसमें UAPA लगा हुआ था, ये स्पेशल एक्ट जिसमें NIA को प्रोब जानी चाहिए, समझ गए ना। वर इन्वोक्ड इज पैसिव वॉइस, वर क्यों लगाया? सेक्शन जो है यहाँ पे आपके पास प्लूरल है, सिंगुलर होता तो वॉज इन्वोक्ड होता। चलिए, हैंड ओवर इज अ फेजल वर्ब, जो है ना फेजल वर्ब जो है, मैं खबरी भी करवाता हूँ, आज पार्ट 18 में अपलोड करूँगा रात में, जरूर से डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है सारी फेजल वर्ब्स, जहाँ वहाँ पे ना 18 पार्ट के अंदर हमने कर दिए कवर, जाके चेकआउट करें। चलिए, करा सिग्निफिकेंटली, और सिग्निफिकेंट बात ये है, द सुप्रीम कोर्ट हमारी जो उच्चतम न्यायालय है, बाय अ 2-1 मेजोरिटी, 1-2-1 की मेजोरिटी के द्वारा उसने क्या कर दिया? डिक्लाइंड, सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट, वर्ब डिक्लाइंड, इसने मना कर दिया टू इंटरवीन, दखल अंदाजी देने का विद द पुलिस प्रोब, पुलिस की तहकीकात में। और कैसे मना किया? रिमेनिंग अनमूव्ड बाय द आर्ग्यूमेंट्स, बने रहते हुए अडिग, अनमूव्ड, बिना हिले, फर्म, जिद्दी बने रहते हुए उन आर्ग्यूमेंट्स के सामने। और किसके आर्ग्यूमेंट थे? स्कॉलर्स, उन पढ़े लिखे स्कॉलर्स लोगों के, विद्वान लोगों के, सच्चा रोमिला थापड़ एंड प्रभात पटनायक, इन दोनों के नाम। कह रहा अब ये क्या अनमूव्ड क्या था, इनके आर्ग्यूमेंट क्या थे? दैट वो ये कि इट वॉज एन अटेम्प्ट टू हाउंड राइट डिफेंडर्स। कह रहे ये था एक अटेम्प्ट, ये जो ऊपर वाली बात है ना, ये पूरी की पूरी जो थी एक कोशिश थी हाउंड करने की, पीछे पड़ जाने की, चेज करने की राइट्स के डिफेंडर्स को, और किसको क्या करने की? सप्रेस करने की पॉलिटिकल डिसेंट को। सप्रेस मतलब दबा देना, कुचल देना, पॉलिटिकल डिसेंट होती है सियासी डिसेंट होता है जो आपका मिस आर्ग्यूमेंट, किसी के साथ आप जो बहस करते हो वो होती है डिसेंट, नाराजगी, समझ गए। तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसने भी मना कर दिया, हम जो है इंटरवीन नहीं करेंगे पुलिस की प्रॉब में, बिल्कुल वो अडिग रहा, फर्म रहा उस आर्ग्यूमेंट के सामने इन लोगों के जो स्कॉलर्स थे। और आर्ग्यूमेंट ये था कि ऊपर वाली जो पूरी चीज़ है वो एक अटेम्प्ट है सिविल राइट डिफेंडर्स को सप्रेस करने का, और सियासी किसी का कोई आर्ग्यूमेंट हो उसको सप्रेस करने का, है ना, दोनों को हाउंड और सप्रेस करने का। सेंटेंस में देखने वाली एक ही चीज़ है हाउंड, देखिए हाउंड होता है कुत्ता, डॉग होता है ना उसको बोलते हैं हाउंड। हाउंड जब आप नाउन से वर्ब बनाओगे ना तो मतलब किसी के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाना, अनोय करना, बॉदर करना, चेंज करना, वहीं से आपने वर्ड को सीखा है हाउंड और कुत्ते से, एक वहीं से आप वर्ब बना दोगे इसकी। सप्रेस आप जानते हैं, डिसेंट आप जानते हैं। चलिए, द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट टर्न अराउंड, हमारी जो केंद्र सरकार है ना कैन नॉट, नहीं कर सकती वो, और क्या नाउ अभी टर्न अराउंड करने का काम। टर्न अराउंड करने का मतलब क्या है? यू टर्न मारने का काम। अब हमारी सरकार यू टर्न नहीं मार सकती, कह रहा है एंड क्लेम, और ये दावा नहीं कर सकती दैट वो ये कि इट इज़ अ फिट केस फॉर NIA प्रोब, ये केस है जो फिट है NIA की तहकीकात के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तब आपने मना कर दिया, अब आपकी सरकार चली गई वहाँ से, अब आप NIA को सौंप रहे हो, NIA आपके नीचे है ना। ऐसा नहीं है, आप इस तरह से कभी भी जो है ना टर्न अराउंड मत मारो, यू टर्न मत मारो।
कैन नॉट जो है यहाँ पे नॉट एडवर्ब है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या है टर्न, है ना, ये अराउंड तो इसके साथ फेजर वर्ब बनाने के लिए लिखा हुआ है। अच्छा इसी के साथ में एंड कंजंक्शन के बाद में कैन नॉट यहाँ पे इमेज लगी हुई है कैन नॉट की, कैन नॉट क्लेम, है ना, तो ये क्लेम जो है ना इससे पहले कैन नॉट लगा हुआ है एंड कंजंक्शन आने की वजह से, आप ऐसा ना भूल जाएं इस कैन नॉट को। दो वर्ब्स हैं कैन नॉट टर्न एंड कैन नॉट क्लेम। चलिए कि अ प्रोविजन इन द एनआई एक्ट डज अलाउ द सेंटर, कह रहा है एक प्रोविजन जो है ना, एक रूल जो है एनआई के एक्ट में वो अलाउ करता है हमारी सरकार को, अच्छा क्या करने का, टू गिव अ सुओ मोटो डायरेक्शन टू द एनआईए। सुओ मोटो ऐसी चीज़ होती है जो आप अपने हिसाब से लेते हो, आपको कोई कहता नहीं है कि करो, वो अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो बिना कहे डायरेक्शन देने के लिए किसको, एनआईए को वो डायरेक्शन दे दे, और क्या करने का, टू टेक ओवर एनी इन्वेस्टिगेशन, टेक ओवर कर लेने का, अपने नीचे ले लेने का कोई भी इन्वेस्टिगेशन को। अच्छा कैसे और कब, इफ ऑफेंसेस लिस्टेड इन ए शेड्यूल टू द एक्ट आर कमिटेड, अगर जो ऑफेंसेज हैं जो लिस्टेड हैं एक शेड्यूल में इस द एक्ट, इस एन आई एक्ट के अंदर आर कमिटेड, उनको पैसिव वॉइस में कमिट किया जाता है। ऑफेंसेज होते हैं गुना, है ना, तो अगर कोई एन आई एक्ट के किसी भी शेड्यूल के अंदर कोई भी गुना हो जाए तो प्रोविजन है अपने पास कि सेंटर जो है वो दे सकती है डायरेक्शन सुओ मोटो, बिना किसी की उंगली लगाए अपने आप कह सकती है एन आई ए को, ले लो तुम ये अपने केस को अपने नीचे, टेक ओवर कर लो, समझ गए। टेक ओवर भी फेजल वर्ब है, जैसे अभी आपने ऊपर देखी थी फेजल वर्ब्स खबरी के ऊपर, याद रखें। सुओ मोटो को ध्यान रखें, बाय इनिशिएटिव अपनी तरफ से पहल लेकर के कोई काम करें तो सुओ मोटो करते हैं आप, है ना, बाहर के वर्ड हैं फॉरेन वर्ड्स। चलिए द सेंटर सुओ मोटो पावर इज लाइकली टू बी टेस्टेड, कह रहा है जो सेंटर की सुओ मोटो पावर है ना, जो ताकत है वो इज लाइकली, लाइकली मतलब पॉसिबली, और टू कह रहा है वर्ड इज गोइंग टू, इज टू आर टू एम टू, आपने देखा ना मेरे साथ बीच में गोइंग लगा दो आप, तो ये पावर है ना ये इज गोइंग टू बी टेस्टेड, इसको टेस्ट किया जाने वाला है, ये टेस्ट होने वाली है, और किसके लिए, फॉर इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, अपनी संवैधानिकता के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कितनी सही है और कितनी गलत है, और कब, व्हेन छत्तीसगढ़ सूट अगेंस्ट द एनआईए कम्स अप, करे ये जो छत्तीसगढ़ का सूट है ना, छत्तीसगढ़ का जो कोर्ट केस है एनआईए के खिलाफ कम अप होता है, फेजल वर्ब कम अप मतलब ऊपर आना, उबर करके आना, जब छत्तीसगढ़ का केस एनआईए के खिलाफ सामने आएगा तभी जो है ना ये पावर जो है सेंटर की सुओ मोटो वाली टेस्ट हो जाएगी, देख लेंगे कितनी सही है कितनी गलत है, ठीक है ना। करे द एपिसोड हाईलाइट्स फेयर्स, ये जो पूरी घटना है एपिसोड है, हाईलाइट करता है, सामने लेकर के आता है उन डरों को, एक्सप्रेस्ड बाय सम स्टेट्स, जिनको जाहिर किया कुछ स्टेट्स ने, और वो क्या डर है, दैट वो ये कि देयर पुलिस पावर्स वुड बी कॉम्प्रोमाइज्ड, उनकी जो पुलिस की पावर्स है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगी, इफ अगर द एनआईए वाज एस्टैब्लिश्ड, अगर एनआईए को एस्टैब्लिश किया गया है ना, एनआईए को जब एस्टैब्लिश किया गया था तब भी जो फियर्स थे ये भी हाईलाइट किए थे कई स्टेट्स ने, हमारी पुलिस को आप सेबोटाइज कर दोगे, कॉम्प्रोमाइज कर दोगे एनआईए को बीच में डाल करके, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, जितने सारे क्लोज आए हैं उतने सारे उससे एक कम जो है ना कंजंक्शन आया होगा, जैसे पहला क्लोज आ गया ये वाला, है ना, उसके बाद एक कंजंक्शन लगी दैट, फिर दूसरा क्लोज शुरू हो गया, इसमें एक सब्जेक्ट वर्ब आ गई, फिर कंजंक्शन लगी इफ, फिर तीसरा क्लोज शुरू हो गया, है ना, कंजंक्शन के बाद ही क्लोज जनरली शुरू करते हैं अपने दूसरा। चलिए बट, लेकिन व्हाट इज लीगली क्वेश्चनेबल नाउ इज, जो वो चीज़ अभी लीगली कानूनन तौर पे क्वेश्चनेबल है, विवादास्पद है, प्रश्न उठते हैं जिसपे, कह रहा है इज नॉट, वो ये नहीं है क्या, द सेंटर्स पावर, सेंटर की पावर, सेंटर की पावर पे सवाल नहीं है, बट लेकिन वेदर सच ए डिसीजन इज टेनेबल, हाँ कि ना, वेदर ऐसा एक डिसीजन टेनेबल है कि नहीं एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर। देखिए टेनेबल क्या चीज़ होती है, जो सही हो, रैशनल हो, जस्टिफाइबल हो, जिसको आप प्रूव कर सको हाँ ये सही है, है ना, तो ये सवाल नहीं है कि पावर है कि नहीं, सवाल ये है कि ये डिसीजन जो अब लिया ना वो टेनेबल है कि नहीं इस स्टेज पे आकर के, और कौन सी स्टेज है ये, लॉन्ग आफ्टर इट बिकेन कॉमन नॉलेज, बहुत टाइम बाद जब ये कॉमन नॉलेज बन गई, सबको पता लग गया, दैट वो ये कि एन ऑफेंस अंडर यूएपीए हैड टेकन प्लेस, एक गुनाह यूएपीए के अंदर टेकन प्लेस कर चुका था, अपनी जगह ले चुका था, घटित हो चुका था, एंड इट्स रेमिफिकेशंस नॉन, और इसके जो कॉन्सिक्वेंस थे, रिजल्ट थे, वो नॉन हो चुके थे, है ना, मतलब इतना टाइम हो गया 2017 से, सबको पता लग गया कि यूएपीए में गुनाह हुआ है और इसके रेमिफिकेशंस भी सबको पता लग गए, अब इसके बाद आप डिसीजन ले रहे हो ना एनआईए को देने का, इस पे सवाल होते हैं खड़े। ये नाउन फ्रेज है ना, इसका सब्जेक्ट है, नाउन फ्रेज पूरा का पूरा, व्हाट इज लीगली क्वेश्चनेबल नाउ, एक्चुअली में क्लोज है, फ्रेज नहीं है। डिसीजन की सब वर्ब होगी इज,
टेनेबल हर वो चीज़ है जो सही हो, इसलिए मैं इसको बोलूँगा रैशनल, लॉजिकल, या बोल सकते हो जस्टिफाइबल, है ना। चलिए, टेक प्लेस अगेन फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का घटित होना, किसी घटना का हैपन होना, अकर होना, उसी को हम बोलते हैं टेकन प्लेस करना। कह रहा द इनएविटेबल कंक्लूजन इज, जो कंक्लूजन है ना सब बातों की एक बात है, जो आपका कंक्लूजन क्या बोलते हैं, जो आखिरी में आप निकालते हो ना डिसीजन फाइनल, तो कह रहे जो समरी है ना जो कि है इनएविटेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते हो, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, इज वो क्या है, दैट द सेंटर्स इंटरवेंशन इज ए प्लॉय, सेंटर की जो दखल अंदाजी है ना वो एक प्लॉय है, एक पैंतरेबाजी है, क्यों, टू कंटिन्यू, जारी रखने की द पॉलिटिकल नैरेटिव, उस सियासी कहानी को, दैट वो ये की द लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट, जो हमारे लॉयर और एक्टिविस्ट है ना, सिंपथेटिक टुवर्ड्स द कोज ऑफ ट्राइबल पीपल, जो कि सिंपथेटिक हैं, जो कि सिंपथी रखते हैं उसकी तरफ, किसकी तरफ, उस कॉज की तरफ, उस मकसद की तरफ जो है ट्राइबल पीपल का, और कहाँ पे, इन कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज, ऐसे एरियाज में जहाँ पे अभी भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट हिट है, जहाँ पे अभी रोज जो ना खून खराबा होता है। कह रहा है जो ये इंटरवेंशन है ना ये प्लॉय है, और ये क्या है, इस जो है ये जो लॉयर्स एंड एक्टिविस्ट है ना, ये हैं आर अर्बन नेक्सल्स और माओइस्ट, ये हैं दो चीज़ें, ये माओइस्ट आप जानते हैं, अर्बन नेक्सल भी आप जानते हैं। सेंटेंस रिपीट कर देता हूँ, तीन चार क्लोज आए हुए हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। कंक्लूजन ये है कि सेंटर का इंटरवेंशन एक है पैंतरेबाजी कंटिन्यू करने की इस पॉलिटिकल नैरेटिव को, है ना। अब ये पॉलिटिकल नैरेटिव बता रहा है डेट लगा कि लॉयर्स और एक्टिविस्ट जो सहानुभूति रखते हैं ट्राइबल लोगों के मकसद के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट हिट एरियाज के अंदर, वो सब के सब क्या हैं, अर्बन नेक्सल्स हैं और माओवादी हैं, है ना। देखो आप नेक्सल उनको बोलते हो जो वहाँ लड़ाई कर रहे हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, और जो जो उनके लिए सिंपथी रखते हैं उन नेक्सल्स के लिए, उनको आप क्या बोलते हो, अर्बन नेक्सल्स, शहरों में बैठे हुए नेक्सल्स, या बोलते हो माओवादी। समझ गए, सेंटेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, वैसे सिंपल है, क्लोज बहुत जैसे डाल करके लंबे लंबे सेंटेंस बनाए हैं, इस तरीके से चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब पकड़ के तो आपके लिए थोड़ा ईजी बन जाएगा। अभी अटैम्प्ट करें क्विज को, अटैम्प्ट करके अपना स्कोर मुझे ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें नहीं करें, वीडियो को शेयर करें नहीं करें, वीडियो पे कुछ और करें नहीं करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वीडियो को पढ़ करके कुछ ज़रूर सीखें, क्विज़ को अटैम्प्ट करके इस टाइम को जस्टिफाई करें जो मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, है ना, उस टाइम को जस्टिफाई करें, ज़रूर से क्विज़ को सॉल्व करें। चलिए फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए दे इजाज़त, साइनिंग आउट। और हाँ, ग्रामर वीडियो प्रोबेबली एक आधे दिन में मैं पब्लिश करूँगा, थोड़ा ट्रैवल मेरा ज़्यादा हो रहा है, प्लस के अंदर मेंबर्स के लिए हमने एक नई सीरीज़ बना दी है, उस सीरीज़ के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, गोल्डन ग्रामर रूल सीरीज़ नाम से, सारे ग्रामर रूल्स की एक सीरीज़ बना रहा हूँ मैं, 15-20 पार्ट के अंदर सारे रूल्स करवा दूंगा, क्रैश कोर्स की तरह, है ना। एक पहला पार्ट मैंने कल अपलोड किया था इसका, आप जाएंगे ना तो ये स्पेशल वीडियो की जो प्लेलिस्ट है, स्पेशल वीडियो, इसका 8वां पार्ट यहाँ आपको मिल जाएगा, पार्ट 100 ग्रामर रूल सीरीज़। अभी मैं इसी सीरीज़ पर फोकस करूँगा अगले 1-1.5 महीना, ताकि आपके सारे ग्रामर रूल्स एक बार क्रैश कोर्स में जो है ना अपडेट हो जाए। इजाज़त दें, तब तक के लिए साइनिंग आउट।